नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटेक गीक्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं शुभमदीप गुप्ता आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से एक ऐप आपकी ज़िंदगी में थोड़ा हलचल ला सकता है। एक ऐसा ऐप जो आपके मोबाइल डिटेल्स, आपकी कॉल्स, आपके मैसेजेस, आपकी गैलरी को इधर से उधर कर सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। दोस्तों, ये एक ऐसा ऐप है कि शायद पता नहीं बहुत लोगों को पता हो या ना पता हो, एक्चुअली एक स्पाई ऐप है और इसका नाम है द ट्रुथ स्पाई। एंड दोस्तों, एक्चुअली ये ऐप क्या है, कैसे है, आइए इस पूरी वीडियो को आगे तक आप देखते रहिए। मैं इसके सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपके मोबाइल में कोई भी स्पाई कर सकता है, कैसे आपको कोई भी इस तरीके से, मतलब आपकी कॉल डिटेल्स हैं, फ़ोन रिकॉर्डिंग कर सकता है, मैसेजेस हैं या आपकी लोकेशन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या यहाँ पे। इसमें काफ़ी सारी मतलब फ्री सर्विसेज हैं, जीपीएस ट्रैकिंग है, मैसेज है, कॉल रिकॉर्डिंग है, क्या आपके लाइफ सराउंडिंग्स हैं और व्हाट्सएप आई कॉल और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको काफ़ी चीज़ें इसमें देख सकते हैं, जो भी कई सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे द ट्रुथ स्पाई गूगल पे सर्च किया है अभी आपके लोगों के सामने, इसमें ये इसके दो लिंक्स हैं, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएंगे। एक है एंड्रॉयड स्पाई, एक है लॉगिन। सबसे पहले आपको अपने एंड्रॉयड मोबाइल में यहाँ से ये ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए चलते हैं, हम लोग अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर चलते हैं और ये ऐप डाउनलोड करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं कि ट्रुथ स्पाई की लिंक्स खुली हुई हैं और मैं यहाँ पे इसका लिंक खोली है। यहाँ पे मैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस और आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या इसके टर्म्स एंड कंडीशंस, कोई ऐसी पर्टिकुलर बहुत ज़्यादा खास और डिफरेंट कंडीशंस नहीं है, मतलब आप लोग खुद पढ़ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ लीजिए अगर आपको इसे यूज़ करना है। और अब मैं यहाँ पे इसको डाउनलोड कर रहा हूँ और जब तक ये ऐप डाउनलोड होता है, मैं आपको डिजिटेक गीक्स के खुद के एक ऐप के बारे में भी और बताना चाहता हूँ कि आप लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कई सारी हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो भी ऐप। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे डिजिटेक गीक्स ब्लॉग खुला है, उसके सारे फीड्स हैं, फेसबुक है, सर्विसेज हैं, यूट्यूब चैनल है और आप उसकी थीम को ब्लैक एंड वाइट में भी अलग अलग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी अलग अलग सर्विसेज हैं, जैसे कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, या फिर किसी भी वेबसाइट को एंड्रॉयड एप्लीकेशन में कन्वर्ट करना है, और जो भी अगर कोई नई वेब मतलब हम सर्विस अपनी और आगे शुरू करेंगे वो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नीचे इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, इन द डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। आप डायरेक्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पहुँच सकते हैं, फेसबुक पेज है और जो भी कई सारे हमारे ब्लॉग हैं, आप टेक आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। दोस्तों, ऐप यहाँ पे अब इंस्टॉल मैं कर रहा हूँ, वो डाउनलोड हो गया है और अब आगे देखते हैं कि आखिर ये ऐप कैसे काम करता है और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं, क्या क्या इसकी सारी चीज़ें हैं, वो सब अब मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कैसे, मतलब आप किसी और के ऐप मतलब मोबाइल को कैसे उसमें झांक सकते हैं, उसका कैसे स्पाई, उस मोबाइल में आप कैसे स्पाई कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स कैसे निकाल सकते हैं तो आप। और दूसरी बात, आप को अगर करना है वो अलग बात है, लेकिन कोई और आपके मोबाइल में ये ऐप ना डाल दे तो इससे भी आपको बचना है। और इन सबको बचने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नॉर्मल टिप्स हैं कि दोस्तों, बस किसी अननोन पर्सन को या किसी ऐसे पर्सन को आप ये अपना मोबाइल नहीं दें, उसमें सारे फंक्शंस अप्लाई करके नहीं देना है कि वो डाउनलोड करे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि मैंने डाउनलोड किया है और इसमें अभी मैं अब अपने आप को रजिस्टर करूंगा, अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालूंगा, सब कुछ।
अभी मैं यहाँ पे अपना मेल आईडी वगैरह सब कुछ करता हूँ। मैं पहले रजिस्टर करना है, रजिस्टर करना मैं भूल गया था, तो अभी पहले मैं रजिस्टर कर देता हूँ इसको यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉपरली रजिस्टर हो गए हैं और यहाँ पे मैं इस ऐप को पूरी परमिशन दे रहा हूँ, एक्टिवेट दिस डिवाइस एज एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, इसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। देखिए ऊपर मुझे मेल भी आ गया है इसका, क्यों जो मैंने इस पर रजिस्टर किया है, आगे मुझे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हाइड आइकन ऑफ द ट्रुथ स्पाई या अनइंस्टॉल पैकेज। अभी मैं हाइड नहीं कर रहा हूँ इसको, अभी उसका एक रीज़न है, मैं आपको वो भी बताऊंगा, क्योंकि हाइड करने के बाद इसे अनहाइड करना काफ़ी मुश्किल है अभी। और इसका भी एक अनदर लिंक मैं आपको एक और दूसरा वीडियो बना के दूंगा कि कैसे अगर इसको इंस्टॉल करना है, इसको कैसे काम करना है, वो सब मैं दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐप को इंस्टॉल कर रहा है और सिस्टम के इंस्टॉल्ड ऐप में मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो वहाँ पर भी आपको ये ऐप नहीं दिखेगा। इस ऐप की एक खासियत है, अगर आपके मोबाइल में किसी ने ये डाल दिया और हाइड कर दिया तो ये आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स में भी नहीं दिखेगा ये ऐप। तो इसलिए इस ऐप से बचें, क्योंकि आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब किसी और ने आपके मोबाइल में ये चीज़ डाल दी। तो इस हाइड आइकन से भी बचना है, देखना है कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं और क्या नहीं हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी आपने देखा कि कैसे मैंने अभी मोबाइल पे सिंपली इसको इंस्टॉल किया है और यहाँ पे हाइड आइकन का ऑप्शन आ रहा था, वो नहीं किया है अभी मैंने, और मैंने अपना लॉगिन करा है, मतलब वहाँ पे सॉरी अपना रजिस्टर किया है, और अब हम यहाँ पे मैं अपने मोबाइल की डिटेल्स शो करूँगा, जो भी मेरे मोबाइल के डिटेल्स हैं काफ़ी। तो दोस्तों जैसे कि अभी आप लोग यहाँ देख सकते हैं मेरा डिवाइस रेडमी 4, यहाँ पे बेसिक इसकी क्या क्या हिस्ट्री हैं इसकी, जैसे कि URL हिस्ट्री और ये सब। इसकी एक प्रीमियम और गोल्ड उन्होंने अपना एक अलग बना रखा है, जिसके लिए आपको पे भी करना पड़ेगा। और अभी हम ऑटो आंसर कॉल्स, कॉल हिस्ट्री, SMS और GPS हिस्ट्री, मेरी लोकेशन जो भी है, मैं इन सबको देख सकता हूँ। लेट्स सी मेरी अभी जैसे कि लोकेशन हिस्ट्री जो है क्या दिखाता है। ये मेरे इस समय लोकेशन हिस्ट्री दिखा रहा है जहाँ पे मैं हूँ, और ये एकदम सही है। क्या डेट, क्या टाइम, सब कुछ दिखा रहा है। ये मेरे मैसेजेस हिस्ट्री, ये पूरी मेरी कॉल हिस्ट्री, जो भी सारी मेरे कॉल्स वगैरह हैं। ऑटो आंसर का भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस वंडरफुल फीचर हेल्प्स यू टर्न योर मोबाइल इनटू अ परफेक्ट बगिंग डिवाइस, हाउ इट वर्क्स, और यहाँ पे आप इसका पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं। बाकी और क्या क्या सेटिंग्स हैं यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर आपको अपने सिस्टम में से इसको अनइंस्टॉल करना है तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लाइसेंस है, अकाउंट को आप रिमूव कर सकते हैं, सब कुछ। दोस्तों अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पे। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा कि इस एप्लीकेशन के ज़रिए हम एक मिनट, मतलब शायद आपने देखा होगा, मुश्किल से अगर मैं बहुत आराम आराम से करता
करा है, जैसे कि अभी मैंने बहुत आराम से करा है, तब जाके मुझे थोड़ा 4 से 5 मिनट लगे होंगे उसको। मगर अगर मुझे किसी और के मोबाइल में अगर ये चीज़ इंस्टॉल करनी है और जल्दी जल्दी मुझे ये सब अपना चीज़ें देखनी है, तब मुश्किल से कितनी देर लगेगी मुझे इस ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के। और मुझे किसी को भी अगर मेरे किसी अदर पर्सन का मुझे देखना है तो कैसे। और जैसे कि मैंने अपने अकाउंट में यहाँ पे इसको करा था, जिस अकाउंट से मैं रजिस्टर किया था, वो भी यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि 1 मिनट शायद लगेगा किसी को हमारे मोबाइल में इस ऐप को इंस्टॉल करने में। और कोई भी हमारी बेसिक डिटेल्स निकाल सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो ऐप भी हाइड हो जाएगा। जैसे कि आपने ऑप्शन देखा, वो मैंने अभी किया नहीं है, हम ऐप को हाइड कर सकते हैं और वो ऐप इंस्टॉल्ड ऐप में भी नहीं आता है। आपने वो भी देखा, मैंने आपको वो भी मोबाइल में करके दिखाया है कि बिल्कुल भी नहीं आता है। तो दोस्तों सेफ रहिए, बी सिक्योर रहिए इस ऐप से। और अगर आपको लगता है कि किस तरीके से हमें, अगर आपके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल्ड है या नहीं है, वो कैसे पता करना है, उसके लिए मैं खुद अभी एक नया वीडियो बनाऊंगा, उसको ज़रूर देखते रहिए। और आगे हमारे, अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, आपको ये वीडियो में कुछ भी नया इंटरेस्टिंग सीखने को मिला, या फिर कैसे कोई और आपको हैक कर सकता है उसके तरीके बताऊंगा मैं, और कैसे बचें वो सब तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आपको ये वीडियो लगा, कैसा आपको वीडियो लगा। नीचे कमेंट्स करिए और शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए।